एक एग्जाम्पल गिवन है आपको, जिसमें आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग गिवन है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम पर मीटर है, जिसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा है जिसका कि रेडियस आर गिवन है आपको, और आपसे पूछा गया है कि ये जो सेंटर पर चार्ज क्यू रखा है इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा एफ नेट फाइंड करना है आपको, इस किसके कारण, इस रिंग के कारण, इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण नेट फोर्स निकालना है आपको। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, पिछला क्वेश्चन हमारा रोड का था, तो रोड को हम लोगों ने कैसे तोड़ा था, एक्स पर जाकर डी एक्स का एलिमेंट लिया था। रिंग को तोड़ने का आइडिया सब लोगों को 11th क्लास से होगा कि रिंग को सॉल्व करने का जरिया हमारे पास क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, थीटा पर जाकर के एक डी थीटा का क्या लेते थे, एक एलिमेंट लेते थे। हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहाँ से थीटा पे गए, फिर हम लोगों ने क्या किया, ये स्मॉल डी थीटा का एक एलिमेंट लिया, ये वाला एलिमेंट लिया हम लोगों ने, ये वाला एलिमेंट, ठीक है जी। अब आप नोट करें, इस रिंग का रेडियस आपको आर यूनिट्स गिवन है, ठीक है जी। ये जो लंबाई हो गई, ये वाली जो लंबाई डी थीटा एंगल की जो ये आर्क है, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी सब लोग जानते हैं, दैट इज आर डी थीटा। इसके ऊपर जो स्मॉल चार्ज डी क्यू आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया जी लेमडा इंटू इसकी लंबाई जो कि कितनी गिवन है आपको, आर डी थीटा। तो ये स्मॉल चार्ज क्या आ गया, किसके ऊपर आ गया, इस स्मॉल से एलिमेंट के ऊपर आ गया, जिसकी कि आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी रिंग की क्या गिवन है आपको, लेमडा कूलम पर मीटर गिवन है। अब आपको इस छोटे से एलिमेंट के कारण जिसके ऊपर की चार्ज कितना है डी क्यू, उसके कारण आपको फोर्स फाइन करना है किसके ऊपर, इस चार्ज क्यू के ऊपर जो कहाँ रखा है, सेंटर पे। तो ये भी आपको प्लस लेमडा गिवन है और ये भी पॉजिटिव चार्ज गिवन है, तो दोनों लाइक चार्जेस का काम करेंगे। तो इस क्यू चार्ज के ऊपर जो छोटे से चार्ज डी क्यू के कारण फोर्स लगा, लेट्स सपोज मैं इसको आंसर नाम दे देता हूँ डी एफ का, जो कि इस तरफ लगा, ठीक है भाई इस तरफ लगा। डी एफ का वैल्यू कितना आया फाइंड कर लेते हैं, डी एफ का वैल्यू आया दैट इज के डी क्यू इंटू कितना क्यू बाय कितना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्केयर, तो ये कितना आ गया दैट इज आर स्केयर। तो डी क्यू का आप वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो डी एफ का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, के इंटू लेमडा आर डी थीटा इंटू कितना क्यू बाय कितना आर स्केयर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और डी एफ का रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज के लेमडा क्यू इंटू डी थीटा बाय आर। ये स्मॉल सा फोर्स इस डी क्यू चार्ज के एलिमेंट के कारण किस पर लगेगा, क्यू चार्ज पर लगेगा जो कि कहाँ रखा है, सेंटर पर रखा है, और जिसका की डायरेक्शन आपको ये एरो दिखा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था कि रिजिड बॉडीज के केस में जब हम लोग क्या करेंगे, अगर एलिमेंट का लोकेशन या पोजीशन चेंज करेंगे तो उसके कारण हमें साथ साथ ये भी नोट करते रहना है कि आपका जो क्या है, जो चार्ज क्यू जिसके ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। अब हम ये तो जान सकते हैं यहां से, जैसा कि आपको डायमेट्रिकली दिख रहा है, कि आपका जो डी एफ वैक्टर का, डी एफ जो फोर्स है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्या नहीं हो रहा, इस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी सेम है हर जगह। अगर मैं एलिमेंट की लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज करता हूं तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी सेम है और चार्जेस भी सेम है, तो डी एफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या रहेगा, हर बारी सेम रहेगा। बट अगर मैं क्या कर लेता हूँ, इस एलिमेंट की लोकेशन चेंज कर लेता हूँ, तो इस एलिमेंट की लोकेशन चेंज करने से क्या हो रहा है कि डी एफ फोर्स का डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी हमें देखना है। अब मान लेते हैं कि अगर हम ऐसा काम इधर की बजाय इधर कर लेते हैं, मतलब आप इमेजिन करिए कि अगर आप ये वाला एलिमेंट अगर कंसिडर कर लेते तो आप देख पा रहे हैं कि जो फोर्स लगता वो फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगता, मतलब मैं क्या देख पा रहा हूं
कि जो DF फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड आपके सामने है, बट उसका डायरेक्शन, एलिमेंट की लोकेशन चेंज करते ही क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब भी आपके सामने डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो रहा हो तो आप फोर्स को सीधा सॉल्व ना करके, क्वेश्चन को फोर्स के लिए सीधा सॉल्व ना करके, फोर्स को क्या कर ले, उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर ले। किसमें करना है हमें, मतलब फोर्स को डायरेक्ट सॉल्व ना करके हम लोग क्या कर लेंगे, उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में या सिंपली उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। और कंपोनेंट्स हम लोग किसके अलोंग निकालेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा अगर ये डी एफ फोर्स इधर लग रहा है और ये वाला एंगल थीटा है तो लेट सपोज ये वाला एंगल भी थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, दैट इज डी एफ कोस थीटा, मतलब डी एफ का एक कंपोनेंट आ गया जो कि कितना कहलाया, डी एफ कोस थीटा। इस डायरेक्शन में बी इसका एक कंपोनेंट आया जिसका कि नाम क्या है, डी एफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर ये भी सेम डी क्यू चार्ज का एलिमेंट है और वही थीटा के ऊपर जाकर के डी थीटा है, ये भी अगर थीटा के ऊपर जाकर के ये डी थीटा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी कितना है, डी एफ है। और अगर ये एंगल थीटा है तो इस बारी ये भी एंगल थीटा है फिर, और अगर ये एंगल थीटा है तो इस डी एफ फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ आया, दैट कॉल्स डी एफ कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आया जिसका कि नाम क्या हुआ, डी एफ साइन थीटा। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को आइडिया आ रहा है कि कैसे कैसे सर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेट फोर्स निकाल लेते हैं किस किस के अलोंग, एक हम लोग मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक हम लोग मान लेते हैं कि लेट सपोज ये किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, नेट फोर्स निकाल लेते हैं। अगर मैं अब अपना नेट फोर्स निकालूंगा तो नेट फोर्स अगर मेरे को किसके अलोंग निकालना है, एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है, मतलब अब हम इस क्वेश्चन को दो सेगमेंट्स में सॉल्व कर लेते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जो नेट फोर्स आया वो क्या आया, दैट विल कम्स आउट टू बी इंटीग्रल डी एफ कोस थीटा, मतलब जो ये डी एफ कोस थीटा और इस तरफ भी डी एफ कोस थीटा है। आप देख सकते हैं कि आप इसको ये ना समझे एक तो कि ये कैंसिल कर गए, मैं अभी आपको कैंसिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स आ रहा है उसका कौन सा कॉम्पोनेंट फोर्स का आ रहा है, वो कोस थीटा वाला आ रहा है, और वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आ रहा है फोर्स का, अगर मैं एलिमेंट चेंज भी कर दे रहा हूं तो साइन थीटा वाला। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो नेट फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा, डी एफ कोस थीटा का इंटीग्रेशन, और अलोंग अगर मेरे को क्या निकालना है, वाई एक्सिस नेट फोर्स निकालना है तो एफ नेट क्या बनेगा, वो बनेगा इंटीग्रल डी एफ साइन थीटा। मेरे ख्याल से सब लोगों को आइडिया आ रहा है कि सर क्या कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जब आप एलिमेंट यहां से लेकर के ऐसे घूमते 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 यहां तक घूम जाएंगे तो आपका एंगल कितना कवर हो रहा है, ध्यान से देखिए, आपको यहां से यहां तक जाना है तो एंगल की लिमिट मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ रही है कि वो जीरो से कितना चला जाएगा, पाई चला जाएगा, जीरो से पाई हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, करते हैं। डी एफ चाहिए होगा आपको, डी एफ का मैग्नीट्यूड ये रहा आपके सामने। तो अलोंग एक्स एक्सिस अपना जो नेट फोर्स आया वो कितना आया, डी एफ का वैल्यू रखिए, दैट इज के लेमडा क्यू डी थीटा, दैट इज के लेमडा क्यू डी थीटा बाय आर इंटू क्या है, कोस थीटा। तो इसको कोस थीटा डी थीटा लिख लेते हैं, और इंटीग्रेशन जीरो से कहाँ करना है, पाई करना है। सिमिलरली आप इधर देखिए नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स आया इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई, डी एफ का वैल्यू दैट इज के लेमडा क्यू बाय आर इंटू क्या, साइन थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ कॉन्स्टेंट्स को बाहर रखिए और अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा, वेरिएबल का। तो एफ नेट आपके सामने यहाँ कितना आया, के को बाहर निकाल लिया, लेमडा को बाहर निकाल लिया, क्यू कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, अंदर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई किसका भाई, कोस थीटा डी थीटा। सिमिलरली इधर देखिए
एफ नेट इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट, लेमडा कॉन्स्टेंट, क्यू कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट को आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, 0 to π साइन थीटा डी थीटा। अब कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सब लोग जानते हैं, साइन थीटा होता है। तो एफ नेट का आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज के लेमडा क्यू बाय कितना आर। अब कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन थीटा, लिमिट क्या रखनी है आपको 0 to π। और लिमिट को फिर सॉल्व कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप समझ सकते हैं कि साइन 0 कितना होता है 0, साइन पाई भी कितना होता है 0। तो ये वाला टर्म क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ गया आपका, ये आ गया 0। अब आप इधर देखिए, सिमिलरली जब आप एफ नेट निकालेंगे तो क्या आ गया आपका के लेमडा क्यू बाई कितना आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं माइनस कोस थीटा, लिमिट रखेंगे 0 to π, लिमिट को सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपका माइनस साइन क्या कर लीजिए बाहर ले जाइए, अब हो गया है कोस पाई माइनस कोस 0, फिर माइनस साइन को अंदर ले आइए तो ये क्या हो गया कोस 0 माइनस कोस पाई, कोस 0 माइनस कोस पाई। सॉल्व करने के बाद कोस 0 कितना होता है 1, माइनस का साइन कोस पाई कितना होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 + 1 क्या आ गया 2 आ गया, मतलब ये पूरा टर्म सॉल्व करने के बाद कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो आपका जो एफ नेट आया अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस मैं बात कर रहा हूं अभी, वो कितना आया, दैट विल बिकम 2k लेमडा क्यू बाय कितना आर। ये आपका एफ नेट आया किसके अलोंग, अलोंग अलोंग वाई एक्सिस। और जो आपका एफ नेट आया एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना आया, वो इस केस में आया 0। ये किसके अलोंग आया आपका आंसर, ये अलोंग आया जी आपका एक्स एक्सिस के अलोंग। अब आप चाहें तो इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपको समझाया ताकि आपको थ्योरेटिकली ये समझ आए कि कैसे इट अप्रोचेस टू 0। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरफ कोई एलिमेंट थीटा पर जाकर के डी थीटा का लेते हैं जिसके ऊपर की चार्ज कितना आ जाएगा डी क्यू, तो वो इस क्यू चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा डी एफ फोर्स लगाएगा, जो एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा एंगल थीटा। उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक डी एफ कोस थीटा और एक डी एफ साइन थीटा। डी एफ कोस थीटा एक्ट करेगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और डी एफ साइन थीटा किस तरफ होगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ। अब आप देखिए अगर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक उधर थीटा पर जाकर के डी थीटा का एलिमेंट ले लेंगे तो वो भी डी एफ फोर्स लगाएगा इधर इस क्यू चार्ज के ऊपर, जिसके कि दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक डी एफ कोस थीटा और एक डी एफ साइन थीटा। अब आप यह ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं कि जो डी एफ कोस थीटा है और इधर का डी एफ कोस थीटा है, ये एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं, और जो साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर एड हो रहे हैं to give net force on the charge q placed at the center of this, at the center of this semicircular ring. तो जो net force लगा आपके charge q के ऊपर जो center पे रखा था वो कितना लगा भाई, वो लगा 2k lambda q by r। मेरे ख्याल से सब लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि कैसे किया। मैं आपको फिर से एक चीज बोलूंगा कि अगर आपको इस तरह के questions करने हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने एलिमेंट का लोकेशन चेंज कर रहे हैं तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि अगर एलिमेंट की लोकेशन चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो रही है तो आप फोर्स को डायरेक्ट सॉल्व ना करने के लिए, क्वेश्चन को फोर्स के लिए डायरेक्ट सॉल्व ना करने के लिए क्या कर ले, फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें और फिर कंपोनेंट्स की फॉर्म में नेट फोर्स निकालें, तब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अदरवाइज वो आपके लिए टफ हो जाएगा। अभी बंद करो यार बस। एक नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का
स्केलर फॉर्म अभी हम पढ़ चुके हैं, मतलब कूलम्स लॉ की हेल्प से जो फोर्स था उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं उसके ऊपर बेस्ड। जो डायरेक्शन भी थी अभी तक वो हम लोग आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते थे, क्योंकि अभी तक हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे या तो वो वन डायमेंशनल क्वेश्चंस थे या वो टू डायमेंशनल क्वेश्चंस थे। बट अगर इसी फॉर्मेट में आपको 3D क्वेश्चंस दे दिए जाएँ, कैसे क्वेश्चंस दे दिए जाएँ, 3D क्वेश्चंस दे दिए जाएँ, तो इस केस में आपके लिए सिंपली डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या करना, प्रेडिक्ट करना जो है वो टफ हो जाएगा। और इस चीज़ का जो फ़ायदा है आपको वो वेक्टर फॉर्म से होगा। तो वेक्टर फॉर्म को एक तो आप तभी यूज़ करें जब आपके सामने 3D हो, मतलब क्वेश्चन की ज्योमेट्री कैसी हो, 3D हो। तो आप एक चीज़ ट्राई करिएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या बोलती है जनरली आपको? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बोलती है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, लेट सपोज चार्जेस Q1 एंड Q2, और मान लेते हैं कि ये चार्जेस क्या हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो जो चार्ज Q1 है वो चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है जी इस तरफ, जिसको कि हम लोगों ने क्या नाम दिया, F21 का नाम दे दिया। और एक चार्ज जो Q2 है वो Q1 के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, जिसका कि नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, लेट सपोज F12 वेक्टर दे दिया। इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था, लेट सपोज इट इज R, ये क्या है, हम लोगों ने R मान लिया। अब हम लोग एक और चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमने यहाँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता दी है तो हम लोग क्या करते हैं, वो यूनिट वेक्टर्स भी बता देते हैं जो Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं और Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं। लेट सपोज R कैप 1, 2 इज द यूनिट वेक्टर, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। आर कैप 1, 2 क्या है, एक यूनिट वेक्टर है पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, आपको ये नोट करके रखना है। एक और यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर क्या, आर कैप 2, 1, आर कैप 2, 1 यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम क्या, Q2 टू Q1। आप अगर फोर्सेस के बारे में भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं जी, F12 जो है वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, या फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, आप ऐसा बोलिए। F21 कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, आप इसको ऐसा बोलिए। तो अब मान लीजिए आपको क्या काम करना है, आपको फोर्स निकालना है, F12 निकालना है, F12 फोर्स निकालना है। तो आप इसको सिंपली क्या लिखते हैं, अभी तक लिखते थे आप इसको के Q1 Q2 बाई क्या, आर स्क्वायर इंटू, अब आप क्या करेंगे ध्यान से देखिए, आपको फोर्स F12 निकालना है, जो कि फोर्स किस पे लगा है, Q1 पे लगा है, किसके कारण, Q2 के कारण। तो Q2 फोर्स लगा रहा है किसके कारण, Q2 फोर्स लगा रहा है किस पे, Q1 पे। आप इस चीज को नोट करिए, Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है इस बारी किस पे, Q1 पे। तो आपने क्या लिखा, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इनटू क्या, वो यूनिट वेक्टर जो किससे किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, Q2 से Q1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, आपको वो लिखना है, इनटू यूनिट वेक्टर आर कैप कितना आ गया आपका, 2, 1 आ गया। मतलब अब हम इसको यहां क्या लिखेंगे, अब अगर आप इसको यहां लिखना चाहें आर को, तो आप इस R को लिखिए R21 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। नोट करें आप एक चीज, यहां मैं दोबारा से बोलता हूं आपको, आपने फोर्स कौन सा निकाला, F12। फोर्स F12 है कौन, जो फोर्स किसके ऊपर लगा, Q1 के ऊपर लगाया किसने, Q2 ने। अगर Q2 ने फोर्स लगाया तो आपको कौन सा यूनिट वेक्टर लिखना है,
वो यूनिट वेक्टर लिखना है जो किससे किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, Q2 से Q1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, और वो यूनिट वेक्टर कितना है आपका, वो है R कैप 21। ये आपने अज्यूम किया है। तो अगर आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में R 21 लिख रहे हैं तो आप यहां R को भी क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर 21, क्या लिखेंगे, R 21 वेक्टर। और अगर आपको इसका स्केयर चाहिए था इसके मॉड्यूलस का, तो आप इसके ऊपर मॉड्यूलस लगाइए और स्केयर लिख दीजिए। अब जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है एन कैप, वो होता क्या है, वो कोई भी वेक्टर ए अपॉन इट्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इस फॉर्म में आप अब किसको लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे आप यूनिट वेक्टर को, जो कि ये वाला यूनिट वेक्टर ये रहा हमारे पास। तो आप F12 वेक्टर को क्या लिखेंगे, आप F12 वेक्टर को लिखेंगे K Q1 Q2 बाय कितना, मॉड्यूलस ऑफ R21 वेक्टर का स्केयर इनटू R कैप 21 को इस फॉर्म में रिजॉल्व करें, दैट इज वेक्टर R21 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप इसका मैग्नीट्यूड ऐसे देंगे, लिख दिया जी आपने, तो जो रिक्वायर्ड रिलेशन आया आपका वो क्या आया, दैट इज F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय कितना, मोड ऑफ R वेक्टर का क्यूब इनटू क्या, R वेक्टर कितना, 21। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ जाना चाहिए, अगर नहीं भी आया है तो हम लोग अब दूसरा फोर्स लिखते हैं, उसमें आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, F21 फोर्स निकालना है, F21 फोर्स निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, जो F21 फोर्स आपको निकालना है वो कौन सा फोर्स है, जो कि फोर्स किस पे लगा, Q2 पे लगा। आप नोट करिए यहां, फोर्स लगा किस पे है, Q2 पे, लगाया किसने है, Q1 ने। तो आपको इस बारी ये वाला फोर्स लिखते हुए कौन सा यूनिट वेक्टर चाहिएगा, वो यूनिट वेक्टर चाहिएगा जो जो पॉइंट कर रहा है किस तरफ से किस तरफ, Q1 से Q2 की तरफ, क्योंकि फोर्स लग किस पे रहा है, Q2 पे, और लगाया किसने है, Q1 ने। तो आपको वो यूनिट वेक्टर चाहिएगा जो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, Q2 की तरफ। और आप देख पा रहे हैं डायग्राम से कि वो यूनिट वेक्टर क्या है, वो R कैप 12 है। तो चलिए लिखते हैं, F21 को लिखा गया क्या, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन क्या, R स्क्वायर। ये तो वही स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बदलते हैं, ध्यान दीजिए, आपको यूनिट वेक्टर कौन सा चाहिए, आपको यूनिट वेक्टर चाहिए जो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो Q2 की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर आपका पॉइंट कर रहा है, जी वो कर रहा है आपका R12 कैप। अब आप इस R को इसी की फॉर्म में बदल दीजिए, दैट इज R12 वेक्टर का क्या, स्क्वायर। ये लिख दिया जी आपने, ठीक है जी। अब आप अगेन इस यूनिट वेक्टर को क्या करें, क्या करें, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बदल दें। तो F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय कितना, R21 वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर क्या होता है सब लोग जानते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई, इतना हो गया। अब आप देख सकते हैं सेम चीज़ है, तो पावर क्या होगी है, यहाँ 3 होगी है। तो F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय कितना, R वेक्टर 21 का मोड का क्या, क्यूब इनटू क्या, R वेक्टर 21। मेरे ख्याल से सब लोगों को ये आइडिया आ गया कि हमें करना क्या होता है। हमें करना ये होता है कि हम जिस भी चार्ज पर क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, चाहे वो हम Q1 पे निकाल रहे हैं Q2 के कारण, चाहे हम Q2 के ऊपर निकाल रहे हैं किसके कारण, Q1 के कारण, हमें R वेक्टर का मतलब R वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ लेनी है, वो उस तरफ लेनी है जिस चार्ज के ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं। ये याद रखिए आप।
और जो r वेक्टर की डायरेक्शन है वो कौन दिखाता है, वो यूनिट वेक्टर दिखाता है। तो हमें यूनिट वेक्टर वो वाला लेना है जो किस तरफ आपका पॉइंट कर रहा है, जो उस तरफ पॉइंट कर रहा है जिस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के ऊपर आप क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया है। जब मैं आपका फोर्स F12 निकाल रहा था तो मुझे F12 के बारे में मैंने क्या लिखा कि वो फोर्स है जो किस पे लगा, Q1 पे लगा, किसके कारण, Q2 के कारण। तो मुझे वो वाला यूनिट वेक्टर लेना है जो किस तरफ पॉइंट कर रहा है भाई, Q1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। जब मैं F12 निकाल रहा हूं तो मुझे कौन सा वाला यूनिट वेक्टर लेना है जो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, जो Q2 की तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया होगा। तो सिंपली कर दो बंद। चलिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का यूज समझते हैं कि कैसे ये हमें डायरेक्शन के साथ क्या करता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल करके देता है। मान लेते हैं ये हमारा XY प्लेन है, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन जी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। हम ऐसा मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, एक यूनिट वेक्टर है हमारा जे कैप। अब मान लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है। मान लेते हैं ए पॉइंट गिवन है हमें कोई भी, जिसके कि कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज कितने हैं, 7,3 हैं। और हमें क्या गिवन है, बी पॉइंट गिवन है भाई, जिसके कि कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज क्या गिवन है, 2,5। हमने सिर्फ मान लिया और मान लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर एक 7 कूलम का चार्ज रखा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या रखा है, मान लीजिए 2 कूलम का चार्ज रखा है। आपको बोला गया है कि आपको नेट फोर्स फाइन करके दिखाना है, एफ नेट निकालना है या फोर्स फाइन करना है आपको किसके ऊपर, फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 7 कूलम ड्यू टू 2 कूलम। आप समझिए इस क्वेश्चन को, आपको जो फोर्स फाइंड करना है वो किस पे करना है, वो 7 कूलम वाले चार्ज पे करना है, किसके कारण करना है, 2 कूलम वाले के कारण करना है। तो आपको एक चीज सिखा दूं मैं, हम लोगों ने अभी अभी आपका क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा, जिसमें कि हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या बोलता है, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर वेक्टर के मोड का क्यूब इनटू क्या, सॉरी इट्स स्केयर हेयर, इनटू आर कैप। आर कैप क्या करता है आपका, आपका यूनिट वेक्टर है जो कि पॉइंट करता है किस तरफ, उस तरफ जिस पर्टिकुलर चार्ज पे हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो हमें किस पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालना है, इस बारी 7 कूलम पे, किसके कारण निकालना है, 2 कूलम के कारण निकालना है। तो आपका जो r वेक्टर होना चाहिए, r वेक्टर का हेड आपका वहां होना चाहिए जहां आपको क्या निकालना है, जहां फोर्स निकालना है। आप नोट करिए इस चीज को, r वेक्टर का हेड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में वहां होना चाहिए जहां फोर्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। एक चीज तो आप ये नोट करिए, अगर आपको 7 कूलम पे फाइंड करना है तो आपका आर कैप का हेड कहाँ होना चाहिए, 7 कूलम की तरफ होना चाहिए। अगर आपको 2 कूलम पे फाइंड करना है तो आपके आर कैप का जो हेड होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए, वो 2 कूलम की तरफ होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में Q1 Q2 जो कि आपके चार्जेस हैं उनको अगर क्या रखें, विद साइन, कैसे रखना है आपको उनको, विद साइन रखना है, तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है जिसको कि हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं, वो आपको जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस में दिखाएगा, डायरेक्शन में निकाल करके दिखाएगा। मतलब अगर आप इस तरीके से अगर कूलम्स लॉ को यूज करेंगे तो ये आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या भी फाइन करके दे देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी फाइन करके दे देगा। शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपको जो चार्जेस हैं वो साइन के साथ रखने हैं, जो आर कैप का हेड या टिप है वो वहां होना चाहिए जहां आपको क्या करना है, फोर्स फाइन करना है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 7 कूलम के ऊपर अगर फोर्स फाइन करना है तो आर कैप का हेड किस तरफ होना चाहिए, 7 कूलम की तरफ होना चाहिए। अगर आपको 2 कूलम पे फाइन करना है तो आपका आर कैप का हेड का होना चाहिए, वो 2 कूलम के
तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये क्या करेगा, आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी निकाल करके आपको देगा। मेरे ख्याल से सब लोगों को आइडिया आ गया कि कैसे यूज करना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को। तो हमें क्या बोला गया कि भाई 7 कूलम पे फोर्स निकालना है आपको, किसके कारण, 2 कूलम के कारण। तो आप मेरे ख्याल से इस प्लेन में ये वाले पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। मैं आपको कोई भी जनरल पॉइंट ए बी ले लेता हूं। आप क्या करें, आप इसको ऐसे ना करें सॉल्व जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं, आप आराम से इन पॉइंट्स को अपने प्लेन में प्लॉट करें। मैं ऐसा मान लेता हूं आपके लिए कि लेट्स सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा क्या है पॉइंट बी है। भाई ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 7.3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2.5। जो बी पॉइंट के ऊपर चार्ज है वो 2 कूलम है, जो ए पॉइंट के ऊपर चार्ज है वो कितना है, वो 7 कूलम है। और आपको 7 कूलम वाले चार्ज के ऊपर 2 कूलम वाले चार्ज के कारण क्या निकाल करके दिखाना है, फोर्स निकाल करके दिखाना है। सबसे पहली बात मैंने आपको ये सिखाया कि जो आपका आर वेक्टर का हेड होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए, वो उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो अपना ये क्या बन गया, आर वेक्टर बन गया। अब अगर आप ये भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। मतलब ये भी सॉल्व करने का मतलब मेरा ये है कि आप बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी यहां आराम से निकाल सकते हैं, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी आराम से निकाल सकते हैं, और आप ये जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है इसको भी बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को आप दूसरी भाषा में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं। ये 11th क्लास में आपको बहुत तरीके से सिखाया जाता है और अभी तक आपको आ भी गया होगा। मैं फिर से, तो हम क्या बात कर रहे थे कि आपको आर वेक्टर निकाल लेना जिसको आपकी क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये आप सब लोगों को आता है। आप इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लें, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लें और इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इस केस में आपका आर वेक्टर क्या आया, अगर हम इसके डाई से डायरेक्ट लिखे हैं तो यह आया 7-2 कितना हो गया 5, आई कैप 3-5 कितना हो गया -2, जे कैप। आपको आर वेक्टर का मोड भी चाहिए होगा तो इसका मोडुलस कितना आया, दैट इज कोफिशियंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे कैप स्क्वायर। तो आर वेक्टर का मोडुलस आया आपका 5² 25 प्लस ये क्या हो गया 4, दैट्स √29 यूनिट्स। तो अब आप जो फोर्स है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज क्या, के Q1 जो कि आपका कितना है 2, Q2 कितना आपका 7, Q1 Q2 बाय क्या लिखना है आपको, बाय लिखना है आपको मोड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। तो मोड ऑफ आर वेक्टर कितना है जी, √29, और इसका क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, क्यूब लिखना है इनटू आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना है जी आपका, इनटू है ये 5i cap - 2j cap। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप समझिए इसको, आपने वेक्टर कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, क्या जिसका की फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय मोड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब इनटू आर वेक्टर। और आर वेक्टर का टिप किधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए जिधर आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है। अब आप इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या लें, प्रैक्टिस करें और इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें।